रक्षाबंधन के त्यौहार पर जहां यात्रियों का बड़ी संख्या में एक जगह स्थान से दूसरे स्थान आना जाना हो रहा है, ऐसे में बस संचालकों के द्वारा बड़ी संख्या में यात्रियों को एक ही बस में भर करके ले जाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। दरअसल यह वायरल वीडियो है जिसमें एक बस के अंदर 100 से भी ज़्यादा लोग सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। सीट पर जहां क्षमता से अधिक लोग बैठे हुए हैं तो वहीं गैलरी में भी अनेक लोग खड़े हुए यात्रा कर रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। ऐसे में जहां यातायात के लिहाज से बसों में क्षमता से अधिक सवारियों को बिठाना हादसों को निमंत्रण देना ही होता है, ऐसे हालात में बस संचालकों के द्वारा किसी भी तरह से नियमों का पालन नहीं किया जाना और मनमर्जी के हिसाब से यात्रियों को बिठाकर ले जाना निश्चित ही किसी भी दुर्घटना की आशंका से इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। रक्षाबंधन पर यह तस्वीरें सामने आई हैं, यह वीडियो वायरल हुआ है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो जो वायरल हो रहा है वो यातायात विभाग के साथ परिवहन विभाग को भी मुँह चढ़ा रहा है। परिवहन विभाग के अधिकारी जहां वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हैं, ऐसे में त्यौहार के समय इस तरह की प्रक्रिया उनको दिखाई नहीं देती। ब्यूरो रिपोर्ट ACN न्यूज। हेलो